नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, 7:30 बजे शाम डेली संस्कृत से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की जाती है, जो कि 10 दिन तक कंटिन्यू चलाई जा रही है। यदि आपने ये 10 दिन तक 10 से 15 मिनट की वीडियो डेली देख ली दोस्तों, संस्कृत में 30 में से 30 आएंगे। तो आज दोस्तों 7 नंबर की सीरीज करा रहा हूं, यानी कि 6 टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं संस्कृत पेडागोजी के। दोस्तों कौन कौन से टॉपिक कवर किए एक बार डिस्कस कर लें, उसके बाद तुरंत इस टॉपिक पे आ जाता हूं। दोस्तों संस्कृत शिक्षण शास्त्र की बात करें तो ये आपके टॉपिक्स हैं संस्कृत शिक्षण शास्त्र में। भाषा कौशल डिस्कस किया है, जो कि 2 से 3 नंबर का आना हर बार अनिवार्य है। भाषा अधिगम और अर्जन, ये भी 3 से 4 नंबर का। बहुभाषिकता, उत्कृष्ट लेखनम और भाषा विकास, आज दोस्तों इस पर डिस्कस करेंगे। अधिगम अक्षमता और कहानी कथन लेखनम, आज इन सभी पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यदि व्याकरण में बात करें तो शब्द रूप कैसे याद किए जाएंगे, आसान तरीके से ट्रिकी माध्यम से बताया है। वहीं धातु रूप कैसे याद करेंगे आप, पट के 5 लकार रूप किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से हस के रूप बनेंगे, गच्छत के रूप बनेंगे, सब कुछ आसान तरीके से बता रखा है। साथ ही साथ आप क्विक शब्द देखते ही पहचाने ये प्रत्यय मतुप है, कि प्रत्यय तुमुन है, कि प्रत्यय लेट है, क्या है। दोस्तों इसकी ट्रिक बना रखी है। सारे की सारी आपको पूरी की पूरी क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी होगी संस्कृत के नाम से, वहां पर क्लिक करेंगे सारी की सारी क्लासेस देख पाएंगे। चलो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम ये आपका 4 से 5 नंबर का कवर करेगा। 4 से 5 नंबर का इन टॉपिक से आना अनिवार्य है। तो बहुभाषिकता क्या होता है दोस्तों, संस्कृत में लिख के आएगा बहुभाषिकतम किम आसीत किम अस्ति। तो बहुभाषिकता क्या है, तो आप कहोगे भाषा अधिगम में एकम महत्वपूर्ण साधन है। भाषा को सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है बहुभाषिकता। कैसे, जैसे कि आप शाहजहांपुर में रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, आप बरेली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मैं जिलों की बात कर रहा हूं, ये आप कहीं, एक व्यक्ति जयपुर में रह रहा है और एक व्यक्ति लखनऊ में रह रहा है, तो लखनऊ में दोस्तों अवधी बोली जा रही है और जयपुर में आपकी राजस्थानी हिंदी बोली जा रही है। तो इन दोनों के बालक एक सैनिक स्कूल में पढ़ने गए, तो इसने अपनी अवधी बोली बोली और इसने राजस्थानी बोली बोली। तो दोस्तों यहाँ पर इस कक्षा में जितने बालक होंगे उन सभी को लखनऊ भाषा के शब्द भी ग्रहण करेगा और जयपुर भाषा के शब्द भी पूरी कक्षा ग्रहण करेगी। तो बहुभाषिकता क्या हो जाएगी, भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम आसीत अस्ति। बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक भाई, संज्ञानात्मक विकास भी बहुभाषिकता से होता है। ये दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो मैं ब्लू अंडरलाइन करके लिख रहा हूं ना दोस्तों, ये ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है ये आपका एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अब चलते हैं दोस्तों उत्कृष्ट लेखनम क्या होता है, बता भाई उत्कृष्ट लेखनम क्या होता है। तो उत्कृष्ट लेखनम से क्या होता है, व्याकरण में आपके सुधार होगा, जितना अच्छा आप लेखन में सुधार करेंगे उतना ही ज्यादा आपका संस्कृत व्याकरण में या किसी भी भाषा की व्याकरण में आपका सुधार होगा। तो व्याकरणम सुधार, इस तरीके से आप सुधारम लिखाओ, सुधारा लिखाओ, यानी कहने का मतलब है संस्कृत भाषा में प्रश्न आएगा लेकिन व्याकरणम यदि लिखा गया समझ जाना उत्कृष्ट लेखनम की बात हो रही है। अब बात करते हैं उत्कृष्ट लेखनम, व्याकरणम के सुधार से, व्याकरण के सुधार से उत्कृष्ट लेखनम शुद्ध होता है, ठीक भाई। जब व्याकरण के व्याकरण होगी तो व्याकरण शुद्ध होगा तो उत्कृष्ट लेखन तो शुद्ध होगा ही होगा। तो इस तरीके से 2 प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में घुमा के पूछे गए हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अब आता है भाषा विकास, भाषा का विकास आप कैसे करेंगे। एक बच्चा है, एक बच्चे पे आपको भाषा का विकास करवाना है, तो कैसे करो, उससे कहोगे बोलो, आप बताओ, उससे बोलो कि कुछ भी, किसी भी एक टॉपिक दोगे उससे कहोगे बोलो, इस अपने विचार व्यक्त करो, तो अभिव्यक्ति करना। जब बालक अभिव्यक्ति करेगा तो उसका भाषा का विकास होगा। फिर उससे कहोगे नए नए प्रयोग करो भाषा में, तो भाषा का आप विकास होगा और कहीं ना कहीं आप उसको अवसर दोगे, तभी तो ये दोनों प्रक्रियाएं करा पाओगे। अभिव्यक्ति उसकी जब ही करा पाओगे या भाषा प्रयोग जब उसको अवसर दोगे, तो बालक को अवसर देना, भाषा प्रयोग करना और अभिव्यक्ति करना, ये तीनों चीजें जहां पर मिल जाती वहां पर भाषा का विकास होना अनिवार्य है। दोस्तों इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि मैं बात करूं अधिगम अक्षमता को लेकर के,
अधिगमक क्षमता से फिक्स क्वेश्चन है आपका, और संस्कृत और हिंदी सब में डिस्लेक्सिया अलेक्सिया और डिस्ग्राफिया लिख के आएगा, संस्कृत और हिंदी और मैथ में इसी तरीके से लिख के आएगा, पढ़ने संबंधी विकार डिस्लेक्सिया, लिखने संबंधी विकार डिस्ग्राफिया, गणित संबंधी विकार डिस्कैलकुलिया, अलेक्सिया लेक्सिया याद करो, लेक्सिया आए पढ़ने संबंधित, डिस्ग्राफिया हो अग्रेफिया हो लिखने संबंधित, डिस्कैलकुलिया गणित संबंधित, डिस्थीमिया तनाव संबंधित, डिस्मोर्फिया भ्रम संबंधित। दोस्तों एक नंबर इतने में से फिक्स है आपका, इतना पढ़ लोगे तो एक नंबर आपका आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा इतने में से। चलो भाई चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि कथा कथनम। कथा कथनम क्या है? तो भाषा के समग्र रूपों की प्रस्तुति बालक को मिलती है। कथा कहानी कथन से भाषा के समग्र रूप की, भाषा के संपूर्ण रूप की प्रस्तुति करने का मौका अवसर बालक को मिलता है। तो कहानी कथन से एक तो ये फायदा है, संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। अभी तक अच्छा ये बताइए कविता प्रयोजन से होता है, कविता कहने का प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ने का क्या प्रयोजन होता है? तो आनंदानुभूति करना, आनंदानुभूति लिखाओ या रसानुभूति लिखाओ, दोस्तों एक ही होगा, आनंदानुभूति या रसानुभूति, कविता प्रयोजन से आनंदानुभूति या रसानुभूति, रसानुभूति। भाषा प्राथमिक रूपम, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है दोस्तों? संकेत भाषाया, भाषा का जो प्राथमिक रूप वो क्या है? संकेत भाषा है। तो भाषा प्राथमिक रूप से कैसे सीखी जाती है? बालक सबसे पहले संकेत करता है ना, तो भाषा का प्राथमिक रूप संकेत हो जाता है। दोस्तों संस्कृत में अभिव्याप्त कक्षाया को ही हम समावेशी कक्षा कहते हैं, तो ये बात याद रखना। समावेशी कक्षा क्या होती? एक ही समय में एक ही पाठ समान पाठ्यक्रम के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, समावेशी कक्षा कहलाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है, कहानी कथनम, कथा कथनम, भाषा विकास, बहुभाषिकता, उत्कृष्ट लेखनम, ये सब टॉपिक क्लियर हुए। 7:30 बजे का टाइम नोट कर लो, बहुत ज्यादा समय मैं आपका नहीं लेता हूँ, 10 से 15 मिनट का समय लेता हूँ। 10 से 15 मिनट में दोस्तों आपके सिर्फ 10 दिन आप 10 से 15 मिनट संस्कृत पढ़ लीजिए, 30 में 30 दोस्तों आने का दावा मैं करता हूँ। कल की क्लास में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप कुछ ना पता हो सिर्फ वह शब्द पढ़ के जाओ, 20-25 शब्द बताएंगे आपको, वह शब्द पढ़ के जाओ और वह शब्द आपको विकल्प में दिख जाए तो आंसर मार देना, आपका काम हो जाएगा। कल दोस्तों मैं ट्रिक देने वाला हूं आपको, तो जो दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों कल वाली जो वीडियो है जो सिर्फ 20-25 शब्द आप देखो और ट्रिक लगाओ, आंसर आपका आएगा। या आने वाली संस्कृत के लिए, CDP के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए ऐसी ट्रिकी वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, लाइव सेशन दोस्तों हमारे आने वाले समय में मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको कराने वाला हूं। तो ये सब चीजें आपको जब ही मिल पाएंगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। यदि यहां तक आ गए तो वीडियो तो पसंद आई आई होगी, तो दोस्तों लाइक वाला बटन प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।